हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डिग्री स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं TYBMS का ऑपरेशनल रिसर्च का टॉपिक यूनिट 2, जिसमें हम कवर करने वाले ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं TYBMS सेमेस्टर 6 ऑपरेशनल रिसर्च। वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर TYBMS, चाहे मार्केटिंग करो, चाहे HR करो, चाहे फाइनेंस करो, कंपलसरी सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट पूरा प्रैक्टिकल है, ऑल द टॉपिक्स आर प्रैक्टिकल एंड यू कैन स्कोर आउट ऑफ मार्क्स इन दिस टॉपिक, इन दिस सब्जेक्ट। रीजन ये है बिकॉज ये आपके जो मार्केटिंग यानी BMS का जो सब्जेक्ट है स्ट्रीम है, इसमें मैक्सिमम चीजें थियोरी होती है, प्रैक्टिकल बहुत कम होता है। फाइनेंस वाले को है प्रैक्टिकल, बट जो मार्केटिंग है, HR है, इनको प्रैक्टिकल बहुत कम होते हैं। एंड स्टूडेंट एकदम ऐसा हो जाता है, यार कुछ तो प्रैक्टिकल चाहिए। तो ये जो सब्जेक्ट है बेस्ड ऑन मैथ्स है। अगर आपका 12th में आपने मैथ्स लिया है तो कुछ टॉपिक्स आपको हेल्प जरूर कर देंगे, ठीक है। अगर नहीं लिया है तो फिर सिराज सर है, वो हेल्प कर देंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करता हूँ टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। क्या लगता है क्या रहेगा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, या फिर भी एक अंदाजा बेसिक, व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम? ट्रांसपोर्टेशन क्या है? हाँ बराबर, ये एक्शन को अपने को बोलना है, ये एक्शन नहीं करना है, ये एक्शन दिखेगा नहीं। क्या बोल रहे, ट्रांसपोर्टेशन क्या रहेगा? मूविंग ऑफ गुड्स, ओके वेरी गुड, गुड्स एंड सर्विस, चलिए ठीक है। और यस यस, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वही है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब हुआ एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, है ना। अब एक जगह से दूसरी जगह पे क्यों लेके जाएंगे? ताकि उस चीज का डिमांड फुलफिल हो सके, है ना। आज अपन ट्रांसपोर्टेशन क्यों कर रहे हैं कि भाई वो चीज वहां नहीं मिल रहा है तो वहां पे पहुंचाओ, बिकॉज वहां पे उस चीज का डिमांड है, क्लियर। अब एज एन कंपनी मैं ये सोचूंगा कि मेरा ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है वो कम से कम हो और प्रॉफिट जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो। इन शॉर्ट ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में दो चीज है, एक है मिनिमाइजेशन और एक है मैक्सिमाइजेशन। मिनिमाइजेशन का मतलब है कि आपको कम से कम कॉस्ट निकालना है। जब भी कोई भी चीज कॉस्ट से रिलेटेड आएगा कि भाई इस चीज का कॉस्ट निकाल के दो, तो दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए, ये तो मिनिमाइजेशन की बात कर रहा है। एक मिनट, नहीं भाई प्रॉफिट निकाल के दो, मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, मतलब ये मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कंसिस्ट ऑफ टू टाइप, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम एंड मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। मिनिमाइजेशन कब? जब कॉस्ट निकालना है। और मैक्सिमाइजेशन कब? जब प्रॉफिट निकालना है। दिमाग में बैठ गया? हाँ जी। अब ट्रांसपोर्टेशन के अंदर मैक्सिमम होगा कॉस्ट से रिलेटेड, प्रॉफिट से रिलेटेड बहुत कम चांसेस है। इन शॉर्ट मिनिमाइजेशन के सम्स आपको आने वाले है, मैक्सिमाइजेशन के बहुत रेयर केस में सम आएगा, क्लियर है क्या? खाली ये फैन ऑफ कर देना, ये वाला फैन, क्लियर है, ओके। तो हमको फोकस करना है मिनिमाइजेशन के सम के ऊपर। थैंक यू सो मच, ठीक है। आपको वो भी बंद करने का, ठीक है, नो प्रॉब्लम, धन्यवाद। चलिए तो मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम जो है इसके ऊपर हम फोकस करने वाले। बट जब भी आप ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, यू हैव टू सी ओनली वन थिंग कि जितना सप्लाई क्वेश्चन में दिया है क्या वो इक्वल्स टू डिमांड है क्या? इफ इट इज देन ट्रांसपोर्टेशन चालू होगा, इफ नॉट ट्रांसपोर्टेशन चालू नहीं होगा। क्योंकि जितना सप्लाई उतना डिमांड तो करना, फुलफिल तो करना ही पड़ेगा। कि भाई डिमांड अगर 50 यूनिट का है तो क्या मैंने सप्लाई 50 यूनिट किया है? इफ यस द प्रॉब्लम इज सेड टू बी बैलेंस्ड प्रॉब्लम, इफ नॉट द प्रॉब्लम इज सेड टू बी अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। अनबैलेंस, मैं वही बोला ना, जितना डिमांड उतना सप्लाई होना चाहिए। इट इज ऑलवेज सेड टू बी डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई। इफ डिमांड इज नॉट इक्वल्स टू सप्लाई, चाहे वो एक यूनिट के आधा यूनिट भी है, तो भी इट इज नॉट इक्वल। एंड इफ इट इज नॉट इक्वल, सच प्रॉब्लम इज सेड टू बी अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। तो हमारा फर्ज बनता है उसे बैलेंस बनाना एंड देन सॉल्व विद द ट्रांसपोर्टेशन। मतलब आपका क्वेश्चन सबसे पहले आपको चेक करना है कि वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है, मिनिमाइजिंग है मैक्सिमाइजिंग है, समझ में आया? एंड देन यू विल फाइंड द कॉस्ट
एंड कॉस्ट फाइंड करने के तीन मेथड्स है। ऐसे देखने जाओ तो चार मेथड है, बट चौथा बाद में फोकस करेंगे, अभी के लिए तीन। क्या लिखा? NWCM, NWCM मतलब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, आपने देखा है लीस्ट कॉमन मेथड। VAM वोगल एप्रोक्सिमेट मेथड। हाँ पी लिख दिया मैंने, VAM होता है ना, इंसान है भाई, गलती नहीं करेगा क्या, मालूम कैसे पड़ेगा इंसान है। चलो वापस, NWCM का मतलब है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड मतलब नॉर्थ में जाने का, नॉर्थ में भी नहीं जाने, नॉर्थ वेस्ट में जाने का। आई होप बचपन में हमने ज्योग्राफी पढ़ा है, ऐसा कुछ साइन मैप पे देखा है, इतना ही देखते, इसके आगे का नहीं मालूम रहता कि वेस्ट किधर, ईस्ट किधर, साउथ किधर। तो मेरे को मालूम है नॉर्थ के नीचे साउथ होता है, वेस्ट यही बाजू रहता है, तो ये ईस्ट हो गया। मेरा मेथड कौन सा है? नॉर्थ वेस्ट, इन शॉर्ट मुझे इस बाजू आना है, ये मेथड है। ठीक है, ये तो बचपन में सुना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा नंबर, छोटा नंबर सिलेक्ट करने का। एंड ये आपके लिए वोगल्स अप्रोक्सिमेट है, समथिंग न्यू। मतलब ये तीन मेथड है जिससे हम कॉस्ट या प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, ये मेथड भी अपने को है, मोदी मेथड। बट ये हो जाने के बाद है, क्योंकि मोदी जी क्या करते, फाइनल टच देते, काम सबसे करवाते एंड फाइनल टच उनका ही रहता है। तो ये भाई साहब का फाइनल टच रहेगा कि तुमने जो फाइंड किया है वो सही है या गलत है, वो फाइंड करने के लिए मोदी जी आएंगे। बात समझ में आया क्या? तो मोदी हमेशा फाइनल टच देगा सबको, एक मेथड है मोदी का मेथड, बट पहले ये तीन मेथड एंड देन मोदी मेथड। होप यहां तक क्लियर है, पक्का? चलिए, टेक्स्ट बुक जो मैं रेफर कर रहा हूं वो है विपुल, और आप सब भी विपुल रेफर करेंगे तो बहुत बेहतर है, बिकॉज दिस इज द ओनली टेक्स्ट बुक फॉर ओआर, ऐसे है। बट ये पब्लिकेशन से यूज करने का रीजन है कि इनके जो ऑथर है यही सब कुछ करते हैं ओआर के अंदर, ठीक है, पेपर सेट करेंगे, पेपर चेक करेंगे, एवरीथिंग ही इज गोइंग टू डू, दो दैट पर्सन इज वेरी टैलेंटेड, यू हैव टू जस्ट फॉलो हिम, वॉट एवर ही सेज यू हैव टू डू दैट। ओके, मैं सिर्फ पढ़ाने का काम करूंगा। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करता हूँ। टेक्स्ट बुक जो मैं रेफर कर रहा हूँ ओआर विपुल पब्लिकेशन, इसमें टेक्स्ट बुक पेज नंबर 140, जो लोग वीडियो देख रहे हैं आप टेक्स्ट बुक ले लेंगे तो बहुत बेहतरीन होगा, बिकॉज इसका कोई पीडीएफ अवेलेबल नहीं है मार्केट में। एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ। अ कंपनी हैज 3 फैक्ट्री F1 F2 F3 विद अ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 11 13 एंड 19, ठीक है, इन 1000। इट हैज 4 वेयरहाउस W1 W2 W3 एंड W4 विद अ डिमांड ऑफ 6 10 12 एंड 15 यूनिट इन 1000। यूनिट कॉस्ट, पहले लाइन पे मुझे एक चीज दिख गया, कॉस्ट। हमेशा कॉस्ट क्या होना चाहिए? मिनिमाइज। तो प्रॉब्लम में बोला है नहीं बोला इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉस्ट दिख गया मतलब मिनिमाइजिंग का सम है, क्या बात है। यूनिट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज गिवन फ्रॉम ईच फैक्ट्री टू ईच वेयरहाउस, आपको एक टेबल बना के दिया है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन कंस्ट्रक्ट अ ट्रांसपोर्टेशन टेबल, फाइंड द इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन, जिसे आप IFSB कहते हैं, शॉर्ट में पूछ सकता है IFS फाइंड करो। तो आप ऐसा मान लो सर कभी आपने इसका नाम नहीं लिया, ये वो IFS बाय NWCM LCM एंड VAM। देखो तीनों मेथड बोला है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड एंड वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, ठीक है। चलिए देखते हैं टेबल कैसे बनाया जाएगा। क्वेश्चन में आप देखो आपको कॉस्ट का टेबल दिया है, उसके अलावा फैक्ट्री 1 फैक्ट्री 2 एंड फैक्ट्री 3 वेयरहाउस 1 वेयरहाउस 2 वेयरहाउस 3 का डिटेल्स दिया गया है, बराबर है। चलिए पहले मैं इधर लिखता हूं वेयरहाउस 1 वेयरहाउस 2 वेयरहाउस 3 वेयरहाउस 4 एंड यहां पे हम ले लेते क्या दिया आपने, वो फैक्ट्री 1 दिया हुआ है ना, सप्लाई, और यहां पे मैं लिखता हूं फैक्ट्री 1 फैक्ट्री 2 फैक्ट्री 3 डिमांड, ठीक है।
अब ये क्या कर रहे सर, हमको वेयर हाउस इधर लिखना है तो चलेगा क्या? आपने जैसा लिखा ऐसा हमको नहीं लिखना है तो चलेगा क्या? ऐसे मन में सवाल आ रहे हैं, उसका जवाब बहुत जल्द आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो डोंट वरी कि सर फैक्ट्री वन इधर क्यों लिखा, हेडिंग में क्यों नहीं लिखा, ऐसा सृष्टि आपके दिमाग में चल रहा है क्या? मेरे को लगा ऐसा, कभी कभी मैं पढ़ता हूँ ऐसा, माइंड मेरे को लग रहा है। चलिए ठीक है, ड्राइंग में एडजस्ट कर लेना, इतना एक्सपर्ट नहीं मैं, ठीक है? ऐसा सर हमको बनाना है, यस ऐसा ड्राइंग करेंगे तो मजा आएगा सम सॉल्व करने में। बस टेबल बन गया, अभी नहीं अभी नहीं, अभी पाप लगता है बेटा, अभी मेरा हो जाने दो, फिर पुण्य कमाएंगे, अभी पाप नहीं करना है, ठीक है? वेरी गुड। तो भाई मैंने एक टेबल बनाया, और एक लाइन, हमेशा याद रखो, इस बाजू सप्लाई, इस बाजू डिमांड, इस बाजू सप्लाई, इस बाजू डिमांड, कंपलसरी है। अब सप्लाई जब इधर आएगा तो सप्लाई का डिटेल्स ऐसा ही दिखेगा रो में, जब डिमांड इधर है तो उसका डिमांड वैल्यू कॉलम में दिखेगा, इसलिए सप्लाई इज ऑलवेज हियर एंड डिमांड इज ऑलवेज हियर। इसलिए वेयर हाउस वन इधर नहीं लिखा, अगर मैं वेयर हाउस वन, वेयर हाउस टू, वेयर हाउस थ्री, क्यों? उसका डिमांड है। आप देखो क्वेश्चन में दिया है वेयर हाउस डिमांड है और फैक्ट्री सप्लाई, में इतना ही प्रोडक्शन कर सकता हूँ, जितना प्रोडक्शन कर सकता हूँ उतना ही सप्लाई कर सकता हूँ, हाया नहीं? इसलिए फैक्ट्री का क्या है, सप्लाई, और वेयर हाउस का क्या है, डिमांड। तो डिमांड हमेशा कॉलम है, सप्लाई हमेशा रो है, ऐसा रो होता है ऐसा कॉलम होता है, बेसिक समझ गया ये? चलिए बढ़िया है। क्या बोला मैंने? हाँ, अगर वेयर हाउस सप्लाई होता तो वेयर हाउस इधर लिखते और फैक्ट्री इधर लिखते, इन शॉर्ट सप्लाई रो में आएगा, डिमांड कॉलम में आएगा, बेसिक यही रूल है। चलो आपको डेटा दिया गया है, पहले डेटा फिल कर लेते। वेयर हाउस 1 42, उसके बाद वो टेबल दे दो ना मेरे को, 42 के बाद 34, फिर 64, नेक्स्ट 32, 36, 54, फिर 50, 28, 36, 26, 46, 82, ठीक है? अब आप देखो, आपको क्वेश्चन के स्टार्ट में दिया था F1, F2, F3 का सप्लाई कितना है, 11, 13 एंड 19, और इस बार जो सप्लाई का डिमांड दिया हुआ है, सप्लाई इसमें वेयर हाउस में 6, 10, 12, 15। पहला बात तो मेरे को क्लियर होगा कि द प्रॉब्लम इज ऑफ मिनिमाइजेशन। अब क्वेश्चन मेरे को देखने की जरूरत नहीं, वो क्वेश्चन मेरे बोर्ड पे आ गए, अब मेरे को टेक्स्ट बुक रेफर नहीं करना, अब सीधा सीधा हम सम पे आ गए। सबसे पहला मिनिमाइजिंग का समय ये दिमाग में बैठ गया, फिर मैंने बोला क्या ये बैलेंस्ड सम है क्या, वो चेक करना है। बैलेंस का मतलब होता है सप्लाई इक्वल्स टू डिमांड। व्हाट इज सप्लाई का टोटल जरा चेक करो, कैलकुलेटर नाम का प्राणी अपने को अलाउड है। 11 प्लस 13 प्लस 19 टोटल करो कितना आ रहा है, देखो 11 प्लस 13 प्लस 19 इक्विवेलेंस टू 43। सेम गोज विद ईयर 6, 10, 12, 15, जरा टोटल करो 11, 13 और एक 43। दिस इज सेड टू बी बैलेंस्ड प्रॉब्लम, मतलब डिमांड और सप्लाई बैलेंस्ड है भाई, प्रॉब्लम भी बैलेंस है, मिनिमम भी है, ये पता चल गया है। अब जो मेथड बोलेगा वो मेथड से सम सॉल्व करेंगे। पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, बराबर है? अब मैंने नॉर्थ वेस्ट के अंदर क्या बताया, इस बाजू जाना है, तो प्रॉब्लम के सामने खड़े हो जाता हूं, नॉर्थ वेस्ट में देखता हूं, नॉर्थ वेस्ट में 42 दिख रहा है मुझे, प्रॉब्लम का नॉर्थ वेस्ट तो इधर ही है ना, ठीक है? तो आई गॉट द फर्स्ट नॉर्थ वेस्ट नंबर विच इज 42। अब इसको कॉस्ट असाइन करना है, सप्लाई कितना है इसका 11 और इसका डिमांड कितना है, तो जितना डिमांड है उतना ही सप्लाई करेंगे ना, इन शॉर्ट जो मिनिमम है वही आप कर सकते हो, मैक्सिमम नहीं। तो 11 और 6 में मिनिमम क्या है, तो भाई इसको 6 असाइन कर दो, ये समझा? हां जी भाई, 6
इसका वैल्यू जीरो हो गया, इसमें से छ चला गया, कितना बचा? बात समझ में आया? हां जी क्लियर है। जो जीरो हो गया उसे चौकड़ी, जैसे जीरो ना, जीरो उसको कट कर दो। अभी मैंने लाइटली किया, आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, ये समझाने के लिए सिर्फ। समझ में आ गया? जो जीरो हो गया उसको चौकड़ी मार दो भाई, तेरा काम नहीं है अब, यूज नहीं। क्या बात है, वेरी गुड। चौकड़ी का मतलब वही होता है, कट कर दिया। अब जो जीरो हो गया खत्म हो गया। अब दूसरा नॉर्थ वेस्ट कौन सा नंबर दिख रहा है? 30। क्या बात है यार सृष्टि, वेरी गुड। फिर से इसको असाइन करना है भाई, इसका डिमांड 10 है और इसका सप्लाई 5 है। क्या करोगे? 5 ही कर सकते हो, डिमांड है लेकिन मेरे पास सप्लाई तो है नहीं ना उसके पास। इसका मतलब यहां पे हम क्या असाइन कर सकते हैं? 5 भाई साहब, आप 0 और 10 में से 5 तो हमने फुलफिल कर दिया भाई। 0 कौन हो गया? कॉलम हो गया भाई। चौकड़ी मारना पड़ेगा तेरे को, बराबर है भाई। नॉर्थ वेस्ट पे अब कौन सा नंबर दिख रहा है? क्या बात है, 36 दिख रहा है। स्मार्ट हो गया तुम लोग। 5 या 13 क्या असाइन कर सकते हो? 5 ही असाइन कर सकते हो भाई, तेरा काम 0। 13 में से मैंने 5 असाइन कर दिया, 8 बज गया। हां जी, चौकड़ी किसको मारना पड़ेगा भाई इसको? अंडरस्टूड, वेरी गुड। भैया नॉर्थ वेस्ट में 28 दिख रहा है मुझे, 28 दिख रहा है, तो 8 तू एको सप्लाई कर सकता है या तो 12 डिमांड है तेरा, तो हम कितना? 8 ही असाइन कर सकते। क्या बात है, 8 असाइन कर दिया भाई साहब, 0 हो गए और इसमें 4 बज गया। समझ में? चौकड़ी किसको मारेंगे? समझाइए, क्लियर। अब भाई नॉर्थ वेस्ट में 36 है, 4 या 19? 4। 0, 15, 0 हो गया भाई, चौकड़ी मार दो इसको। एक ही नंबर बचा है और देखना बैलेंस सम था 15 15, जितना डिमांड उतना सप्लाई कर सकते, एंड टैली हो गया है 0 0। समझ में आ गया? डन विद योर सम। अरे हाँ, हो गया, समझ में आया सर। लेकिन कॉस्ट निकालना है। अरे कॉस्ट ही निकालेंगे, इतना समझ में आ गया। अब जब ये हो गया है तो इसका कॉस्ट, कॉस्ट विल बी, हमने जो असाइन किया है 6 प्लस 32 × 5 प्लस 36 × 5, समझ में आया, प्लस 28 × 8 प्लस 36 × 4 प्लस 82 × 15। आई होप ये कर सकते हैं। अभी आप जरा फट से कैलकुलेट करेंगे तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा और आंसर मुझे बता देंगे कितना आ रहा है। देख लो जल्दी फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी, सब प्लस ही करना है। मेमोरी में मल्टीप्लाई करके मेमोरी प्लस, मेमोरी प्लस, मेमोरी प्लस, मेमोरी प्लस, मेमोरी प्लस, और मेमोरी रिकॉल कर देना, मल्टीप्लाई करके मेमोरी में प्लस कर दे। अच्छा, आप लोग मोबाइल कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं? यू डोंट हैव नॉर्मल वाला कैलकुलेटर? अच्छा, कल से लाएंगे क्या? बट ये उम्र में होता है, इट्स नॉर्मल, भूल जाते हैं। हमारा अजीम तो लाया भी नहीं रहेगा। अजीम लाया क्या? आप बोलते जाओ, मैं लिखते जाता, ऐसा कुछ नहीं है, एक एक करके बोलेंगे, बाद में प्लस कर लूंगा मैं, ऐसा थोड़ा सा मैं मेहनत करता हूँ। 42 × 6 256, बोलते जाओ ना, कोई नहीं, 256 है। अच्छा, टू होता ही उम्र में, इट्स नॉर्मल बेटा। 32 × 5 160, 36 × 5 180 प्लस 28 × 8 224 प्लस 36 × 4 144, 82 × 15 1230। अब सबको तो प्लस कर सकते हो ना, चलिए प्लस कीजिए, बताइए कितना आ रहा है, इतना तो प्लस करो। देख लो भाई, मैंने लिखा हो, इतना आ रहा है क्या? 190, बट अमाउंट इज इन 1000। तो आपको कैसे मालूम पड़ा? अरे क्वेश्चन में बोला था अमाउंट इन 1000। समझ में आ गया मेथड? पक्का मेथड क्लियर है, 100% क्लियर है।
अब सेम क्वेश्चन फिर कंटिन्यू करेंगे। ये हमने कौन से मेथड से किया था भाई? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। अब सेम क्वेश्चन विथ डन मैक्सिमम मिनिमम कॉस्ट, क्वेश्चन में वही पूछा है। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन फिर से फैक्ट्री वन, फैक्ट्री टू, फैक्ट्री थ्री, डिमांड, वेयर हाउस वन, वेयर हाउस टू, वेयर हाउस थ्री, वेयर हाउस फोर, सप्लाई। ठीक है, यहाँ पे 42, 34, 64, 32, 36, 54, 50। जो लोग वीडियो देख रहा है वो उनको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एवरीवन। चलिए बढ़ेंगे आगे, वीडियो खत्म नहीं हुआ है। 11, 13 और 19। डिमांड क्या भाई? इधर होता ही उम्र में, इट्स नॉर्मल। यहाँ पे 6, 10, 12, 15, इधर तो 43 था बैलेंस्ड। ठीक है, चलिए लाइन मार देते। अजीम समझ में आ रहा है? एनी डाउट बेटा? आपका नाम क्या है? आर्यन। वाओ गुड। कॉलेज? अच्छा विवा वाले हैं आप लोग। कुलकर्णी सर को मेरा नमस्कार बोलना। ठीक है चलिए, ऐसा फेस टू फेस कभी मिला नहीं मैं उनको, खाली सुना मिनट के बारे में। अच्छा ठीक है, वीडियो वगैरह देखा मैंने उनका, कल ही देखा था। चलिए स्टार्ट करते अब कौन सा मेथड कर रहा हूं? लीस्ट कॉमन मेथड। ठीक है, अब अजीम लीस्ट कॉमन मेथड नाम से पता चल रहा है, जैसे नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ में जा रहे थे, लीस्ट में लीस्ट नंबर पे जाएंगे। समझ में आया? प्रोसेस सेम रहेगा, द ओनली थिंग इज नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ से चालू किया, लीस्ट में लीस्ट से चालू करने का। तो अब पूरे टेबल में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? भाई ये डिमांड सप्लाई थोड़ी देखेंगे, क्या देखेंगे? कॉस्ट देखेंगे ना। सबसे छोटा नंबर 26 है। क्या बात है अजीम यार, तू एक्टिव है। अब 26 को असाइन करने है, क्या 15 या 11? डिमांड 15 है बट सप्लाई कितना कर सकते हो? 11। तो भैया 11 ही कर सकते हो। हाँ जी भाई, ये तो 0 और ये हो गया 4। जो 0 हो गया उसको चौकड़ी मारेंगे। चौकड़ी भाई, समझ में आ गया। चलिए सबसे छोटा नंबर ढूंढिए, 28। क्या बात है 28। 12 या 13? तो और सर 12 ही असाइन कर सकते हो, मतलब वेरी गुड। तो ये हो गया 0 और ये हो गया 1। कौन 0 हो गया भाई? ये 0 हो गया। चलिए भाई, जो 0 हो गया उसको चौकड़ी मार दो। चौकड़ी चौकड़ी चौकड़ी, डन। सबसे छोटा नंबर 34। क्या बात है, 34 पे आ गए। 1 या 6? एक ही असाइन होगा सर इसको, तो एक ही असाइन होगा भाई साहब। 0 और ये हो गया 5। हाँ, ये जो मैं ऐसा वर्किंग साइड में कर रहा हूं या पेंसिल से करना, कैंसिलेशन वगैरह, समझ में? लाइटली एकदम फेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एग्जाम में अलाउड नहीं है वैसा। ठीक है, तो अब भाई चौकड़ी मार दिया 0 को, तो भाई 0 को चौकड़ी मार देते। ठीक है भाई, इसको भी चौकड़ी मार दिया। देख, अब सबसे छोटा नंबर 54 दिख रहा है। 10 या 19? 10। तो भाई ये 10, ये 0, ये 9। 0 है भाई, ये चौकड़ी मार दो, मतलब ये कट हो गया। सबसे छोटा 64। 5 या 9? 5, 4 बच जाएगा भाई। ये 0 हो गया, ये कट हो गया। अब लास्ट में 82 बच गया, देखो 4 और 4 टैली होना ही चाहिए। टैली एट द एंड जो बचेगा दोनों में सेम नंबर, जैसे यहाँ पे क्या आया था 15 15, आया था ना, इसको हमने असाइन किया था भाई। इधर किधर गया? 15 15 दोनों को असाइन किया, टैली हुआ। वैसे यहाँ पे 4 4, नंबर सेम आएगा, जरूरी थोड़ी बोला है मैंने। बात समझ में आया? चलिए अब डन, आंसर ले लेते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल के अंदर क्या है? पहला असाइन हुआ है
26 × 11 प्लस 34 × 1 प्लस 28 × 12 प्लस 64 × 5 प्लस 54 × 10 प्लस 82 × 4। अरे समझा? Yes, चलिए फटाफट से आंसर बता देंगे तो 286, 34, 28 × 12, 28 × 12 कितना 336 प्लस 64 × 5 320 परफेक्ट है और 54 540 हो गया, 82 × 4 328, सबको प्लस कर देंगे, प्लस कीजिए कितना आ रहा है देखिए, 1844। अमाउंट इन थाउजेंड है। अब दोनों मेथड में क्या फर्क समझ में आया? अगर मैं दोनों मेथड की बात करूं तो दोनों मेथड में क्या समझ में आया आपको कि जो कॉस्ट है वो कम हो रहे हैं। भाई नॉर्थ वेस्ट में अगर 219,000 हो रहा है या 21,90,000 हो रहा है तो यहाँ पे 18,44,000 हो रहा है, तो कंपनी कौन सा मेथड को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा? जो कम है इसको देगा, मतलब कंपेयर टू फर्स्ट टू मेथड दिस इज मोर वैल्यूएबल। और एक मेथड बाकी है, डिसीजन इतना हमें नहीं लेना है, ठीक है इतना समझा है। अब करता हूं नेक्स्ट सम, यानी कि ये क्वेश्चन को अपन कौन से मेथड से करेंगे? वैम मेथड से। आई होप क्वेश्चन सबको क्लियर है। अब यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए पहले ये कंप्लीट कर लो और उसके बाद वैम मेथड लेता हूं। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लास्ट मेथड जिसका नाम है वैम मेथड, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। थोड़ा डायग्राम टेबल अलग बन गया है, नॉर्मल साइलेंट कर देना। एक कॉलम्स मैंने बनाया इधर, इसे कहते हैं पेनल्टी, रो पेनल्टी। इसे कहते हैं कॉलम पेनल्टी। ऐसा हो गया ना इधर फाइव की जगह पे, ऐसा छह मैंने लिखा है, दो में भी हो सकता है, तीन में भी, डिपेंड करता है। ये खाली मैंने ऐसे बना के रखा है, पहले बना दोगे तो आपके लिए अच्छा है, कैलकुलेशन विल बी सिंपल और कुछ नहीं। ठीक है, ये कॉलम और यहां पे आ जाएगा रो पेनल्टी, पेनल्टी जिसे कहते हैं। व्हाट इज पेनल्टी? फाइन। क्या बात है, आपके हिसाब से पेनल्टी मतलब फाइन है, तो मैंने टेबल बना दिया। अब हम फाइन निकालेंगे, फाइन नहीं निकालेंगे, हम यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कैसे निकालेंगे? कॉस्ट है, डिफरेंस निकालेंगे कम से कम दो चीज चाहिए। तो पहले रो में जाऊंगा, फर्स्ट रो में जाऊंगा, सबसे छोटा नंबर ढूंढूंगा, उसके बाद का छोटा नंबर क्या है, मतलब इससे बड़ा नंबर कौन सा है, 26 का कौन सा नंबर आएगा, 32 आएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 6। तो इसे कहते हैं रो पेनल्टी, समझ में आया? 32 − 26 समझा। सेकेंड में जा दो, सबसे छोटा नंबर 28, उसके बाद 34, तो 28 34 का डिफरेंस 6 ही आएगा ना, हर बार 6 आएगा जरूरी नहीं है, सेम आएगा ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 36 बराबर, डिमांड सप्लाई नहीं देखना है, कॉस्ट देखना है। ठीक है, 36 एंड 54 डिफरेंस निकाल सकते हो, 18, क्या बात है, 18 समझ में आ गया। ये हो गया रो पेनल्टी, अब इसी के अंदर आता हूं मैं कॉलम पेनल्टी। कॉलम में भी सेम प्रोसेस, 34 42 कितना आ जाएगा भाई, 8 और तो 10, 10 ही ना, नहीं 8 आएगा शायद, 8 आएगा ना, 6 और 2 8 बराबर है, 32 और 36 यानी कि 4, 28 एंड 36 बराबर, ये दोनों ही ना, 28 36 आपको दे देगा 8, 26 एंड 46 20 बराबर है, समझा? ये पक्का समझा? अब मेरे पास रो पेनल्टी है, मेरे पास कॉलम पेनल्टी है, इसमें सबसे ज्यादा पेनल्टी किसका है, मैक्सिमम पेनल्टी किसका है भाई? ये 20 का मैक्सिमम,
इसका मतलब अपने को ये कॉलम सिलेक्ट करना है। अब असाइन, जैसे नॉर्थ वेस्ट में कोई नंबर मिल गया, लिस्ट में लिस्ट मिल गया, तो वैम में क्या मिलेगा? पहले तो कॉलम डिसाइड होगा या रो डिसाइड होगा किधर आपको अप्लाई करना है। तो मुझे इस कॉलम में वो रूल को अप्लाई करना है। अब इस कॉलम में क्या किसे? तो सबसे छोटे नंबर को। इस कॉलम में सबसे छोटा नंबर 26 को जो प्रोसेस था वो इसे 15 डिमांड है, बट सप्लाई कितना कर सकते हैं? तो क्या असाइन करोगे? 11। और 26 को क्या असाइन करोगे? 11। बात समझ में आया? तो भाई साहब ये 0 और ये हो गए 4। जो 0 हो गए उसे आप चौकड़ी मार दो। समझ में आ गया? वैम मेथड समझा कैसे अलोकेट होता है? नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ लिस्ट में, लिस्ट वैम में पेनल्टीज निकलेगा। सबसे मैक्सिमम वाला पेनल्टी सिलेक्ट होगा फॉर रो या तो कॉलम, और जैसे ही वो सिलेक्ट हुआ उसके बाद जिस रो और जिस कॉलम में जाओगे जो सबसे मिनिमम कॉस्ट है उसको असाइन करना है। समझ में आ गया भाई? अब जब ये 0 हो गया मतलब इधर तो आपको पेनल्टी नहीं आएगा। पेनल्टी पॉसिबल इधर नहीं, ये तो पूरा चौकड़ी हो गया ना। अब यहां पे आएंगे, सेम प्रोसेस में आंसर 6 ही आएगा इधर, सेम इधर 18 ही आएगा। देखो ना रो में वही आएगा ना, देख लो 36 और 34, सॉरी 28 और 34 डिफरेंस 6 ही देगा। और यहाँ पे है 36 और 54, 18 ही आएगा। अरे हाँ सेम कॉलम में चेंजेस आएगा बिकॉज एक कॉलम चेंज हो गया है यहाँ पे। तो इधर देखता हूँ 34 और 64 आएगा, अभी इधर डिफरेंस 30 का आएगा बराबर। 36 और 54, 36 और 54 का डिफरेंस निकालो कितना आ रहा है? 36 और 54 का डिफरेंस 8, 14, 18, देखो 18 आएगा। 28 और 36, 8, 46 और 82, 46, 82, 6, 12 एंड 1, 5, 36 बराबर। अब फिर वापस है, 6 है, 18 है, 36, 8, 18, 30, 36, फिर से यही मैक्सिमम है। अब फिर से इसी सिले, अब इन दोनों में मिनिमम क्या है? 46, 46 में डिमांड है 4, सप्लाई है 13, यहाँ पे 4 अलोकेट होगा। भाई साहब 0 हो गए और 4 इसमें से चला गया तो 9 बराबर ना? अरे यस, जो 0 हो गया उसे चौकड़ी मार दो भाई। समझा? एलोकेशन क्लियर है? पक्का क्लियर है? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। भाई ये तो चौकड़ी था, ये तो डैश हो गया, अब ये भी चौकड़ी हो गया मतलब ये भी डैश हो गया, ये तो डैश था ही। इधर चेक करना पड़ेगा, 28 और 34 ही अभी भी मिनिमम कॉस्ट 6 ही रहेगा। अरे यस, इधर चेंज हुआ है क्या? नहीं सर, 54 और 36 ही चल रहा है इधर, मतलब इधर 18 ही चल रहा है अभी भी बराबर। इधर ये दोनों का ही डिफरेंस चल रहा है 30, इधर भी ये दोनों का डिफरेंस चल रहा है 18, इधर भी इन दोनों का डिफरेंस चल रहा है 8 बराबर। समझा? अब 6 है, 18 है, 18 है, 30 है, 30 असाइन करने का। समझाइए, 30 में ये दोनों में सबसे कम है 34, तो भाई सप्लाई कितना है? 9, कॉस्ट कितना है? 6, तो क्या असाइन करेंगे? 6 ही असाइन करेंगे, तो इसको असाइन करेगा मैं 6। ये हो गया 0 और ये हो गया 3। क्लियर है? समझ में आ गया? पक्का समझा? तो भाई ये 0 हो गया। बेटा आप उधर बैठो ना, उधर एग्जाम, और ये दरवाजा बंद कर दो भाई। क्लियर है यहां तक? डन? पक्का? अब 0 जो हो गया भाई उसे चौकड़ी मार दो। अब आप देखो आपके पास कितने नंबर बच रहे, तो वैम करने की जरूरत नहीं। अब लास्ट में कितने नंबर बच गए आप कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, बट जब चार ही नंबर बच गए तो आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल से सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया क्या? व्हेन लास्ट के चार डिजिट ही बच गए, देखो ये 0 हो गया, 3 हो गया, अभी मेरे पास चार ही नंबर है ना असाइन करने के लिए। तो नाउ यू कैन यूज एलसीएम मेथड, आप डिफरेंस मेथड भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे डिफरेंस में मैं 26 38 का डिफरेंस निकालूंगा, इसका डिफरेंस निकालूंगा, एंड आई विल सॉल्व दैट, आई विल गेट द आंसर, प्रॉब्लम नहीं है। बट बोलते ना थोड़ा सा फास्ट करना है अब, तो ऐसे सिचुएशन में व्हाट यू कैन डू इज यू कैन असाइन लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
और यहाँ पे एक नया रूल और नया बात आपको बताऊंगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल में, जो वहां पे नहीं आया यहाँ पे हुआ। अब जैसे इस सिचुएशन में सबसे छोटा नंबर क्या है लीस्ट कॉमन में, असाइन क्या होगा, 3 या 12, 3 असाइन होगा, मैं 3 असाइन कर देता हूँ, होप समझ रहा है ये, 0 और 3 असाइन हुआ मतलब 9, जो 0 हो गया वो कट हो जाएगा, मैं एक कट कर देता हूँ, कौन सा भाई ये रो कट हो गया। लेकिन अगर नया रूल ये बता रहा हूं, अगर 36 मिनिमम होता इफ, तो सर कौन सा असाइन कर दे, फॉर एग्जाम्पल ये 30 होता या ये ज्यादा बड़ा नंबर और ये सबसे छोटा नंबर होता, ऐसे सिचुएशन में व्हाट नंबर शुड बी सिलेक्टेड व्हेन देयर आर टाई, इधर टाई हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में जो कॉस्ट सबसे ज्यादा असाइन होता रहेगा जिसको पहले उसको असाइन हो, फॉर एग्जाम्पल इधर 10 और इधर 9 रहता तो इसको कितना असाइन करता, 9, और इस सिचुएशन में 12 और 19 में इसको 12 असाइन होता, तो सबसे ज्यादा किसको असाइन हो रहा था, इसको, तो पहले इसे सिलेक्ट करने का एंड देन इसको। सर क्या बोले, समझा ही नहीं, वापस मैंने ये कहा जब टाई हो जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल में, लीस्ट कॉमन मल्टीपल में टाई होता है, अगर टाई होता है तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम कॉस्ट बोले तो डिमांड या तो सप्लाई, जो सबसे ज्यादा जिसको असाइन होता रहेगा पहले उसको असाइन करो। जैसे ऐसे सिचुएशन में अगर ये 36 था तो इसका कॉस्ट कितना असाइन हो रहा था, 10, और इधर सप्लाई कितना था, 9, तो आप इधर 9 लिखते, इसको 9 असाइन करते, और अगर इसकी बात करूं तो इसको 12 और 19 में क्या असाइन होता, 12, तो मैक्सिमम इसको होता ना, 9 और 12 में 12 बढ़ा है ना, तो आप पहले इसको असाइन करते, 0 करते एंड देन दूसरे के पास जाते। ये बात मैंने बताया, ऐसा सब मैं करवाऊंगा, अभी दिमाग में खाली बैठा लीस्ट कॉमन टाइम पे क्या करना है। चलिए अभी तो कुछ नहीं था भाई, 0 हो गया, अब मेरे पास दो नंबर बच गए, 36, 9 एंड 19, क्या असाइन होगा, 9, भाई इसको 9 असाइन होगा, ये 0 और ये हो गया 10। अब देखो लास्ट नंबर बच गया 10 और 10, टैली हो गया, समझ में आ गया, पक्का समझा है? हाँ जी। अब आंसर ले लेता हूं वैम मेथड से, चलिए वैम मेथड का आंसर क्या आ जाएगा, वैम मेथड के अंदर सबसे पहला आया है 26 × 11 प्लस 34 × 6 प्लस 28 × 3 प्लस 46 × 4 प्लस 54 × 10 प्लस 36 × 9। जरा फट से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ जी बोलिए। अच्छा ठीक है, 286 प्लस ये मल्टीप्लाई पहले कर लूँ, मल्टीप्लाई 204 प्लस 84 प्लस 184 प्लस 540 प्लस 320, पक्का 36 × 9 324 प्लस कर लो टोटल, प्लस करो कितना रहा देखो, 1600 आगे 3 0 लग जाएगा। अब तीनों मेथड के अंदर देखो, एक का आया था 22 तीनों मेथड में देखो, पहले वाले में आया था 21 लाख, दूसरे में 18, इसमें 16 आया, तो जो आपका कंपनी है वो अडॉप्ट करता है ये मेथड को। जैसे आपको सृष्टि कौन सा लास्ट वाला नहीं समझ में आया, कुछ नहीं, अब ये चार नंबर थे, सबसे छोटा नंबर था ये 9 था और 12 था, तो मैंने इसको 3 असाइन किया, इधर हो गया 9, ये हो गया 3 0, कट हो गया। फिर सबसे छोटा नंबर 36 था, 19 और 9 में 9 असाइन किया, कितना बच गया 10, भाई ये 0 हो गया। अब एक ही नंबर बच गया, इधर कितना था 10, इधर भी कितना 10, टैली तो होना ही चाहिए ना, ये 10 और वो 10, 10 ही असाइन होएगा, समझ में आ गया, पक्का क्लियर है, 100% क्लियर है। आज इतना ही कंटिन्यू करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के सम्स को कंटिन्यू करूँ। फिर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप पे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।